नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, टूल प्लाजा पर पहुंचे हैं और यहां गांव के लोग, 5 गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और पहले भी कई बार यहां पर इकट्ठा हुए थे। टूल माफ़ी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था और यहां पर लोगों ने आने वाले समय के लिए फ्यूचर में धरना धरने की बात रखी थी और आज ये सारे के सारे गाँव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी हम यहाँ न्यूज़ दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जो भी भाई इसको देख रहा होगा उनको पता चल सके यहाँ पर किस प्रकार का जाम अभी लगाने वाले हैं और यहाँ पर धरना रखने वाले हैं। तो हम आपको सभी से गुजारिश करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि बद्दवाड़ा जो टूल प्लाजा है यहाँ पर किस बात को लेकर यहाँ पर जो 5 गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा फिलहाल हम जो यहाँ की स्थिति दिखा देते हैं। अभी थोड़े ही लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, फिलहाल घंटे के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग होने वाले हैं। तो एक दो भाई से बात कर लेते हैं, कितने गाँव से लोग अभी आने वाले हैं यहाँ? भाई साहब, यहाँ पर हुए कम से कम भी 8-10 गाँव में आदमी का बटड़े। अच्छा, यहाँ चला रहे हैं अपनी मनमानी। अच्छा, क्योंकि जो हमारे लोकल गाँव है, हमारा तो डेली गाना जाना है, ये 5-5, 6-6 चक्कर हमारे लोकल गाँव में साधना इलाका है। उरा है एब जमा हमें टोल लाग गए नहीं, दिनों हमने जमीन दे दिन तो सारे काम कर रखे। एब जो करेंगे नहीं, अपनी अपनी मनमानी चलावें, कई बार सीधी गाड़ी कैट दे हैं, कई बार अपनी मनमानी करें, दुर्व्यवहार भी करें स्टाफ वाले हैं सारे, मतलब अपना अपना चला रहे हैं, सिक्का चला रहे हैं अपना। उरा है एक किस्म का। हाँ जी सर, इसकी जो फास्ट ट्रैक की जो है आपके, उसमें सिर्फ सस्ता पड़ता है आपको, वो क्यों नहीं कराते, क्या कारण है सर? ऐसा हमारा ये लोकल एरिया है और हमारे द्वारा ये ज़मीन दी गई है और गनौदा के आसपास तक ये 8 किलोमीटर पड़ता नियर अबाउट, तो हमारा हक नहीं बनता फास्टैग बनवाने का। हम लोकल में आते हैं और चाहते हैं कि हमारे पूरे एरिया का जो इस क्राइटेरिया में आता वो सभी का माफ हो और लोकल रहे। अब क्या आगे की क्या प्लानिंग है? अब आगे की प्लानिंग यही है, हमने पीछे भी ज्ञापन दिया था और उसमें हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था और एसडीएम साहब ने मानना था कि हम इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेंगे, बात करेंगे प्रशासन से और टोल प्रशासन से और उसके बाद हम इसको माफ़ कर देंगे, लेकिन उसके बीच में कोई सहमति नहीं हुई इनकी और टोल नहीं माना, तो हम दोबारा से फिर आज एक आह्वान लेकर के आए हैं, दोबारा से ज्ञापन देंगे या जिस तरह की भी यहाँ पर रूपरेखा होगी, रणनीति होगी, वो आगे हम चलाएँगे। अच्छा, कितने गाँव से लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? यहाँ पर हमारे 4-5 गाँव के लोग हैं, सच्चा खेड़ा है, दनौदा है, भीखेवाड़ा है और 1-2 आसपास के गाँव भी उसमें शामिल हैं, तो वो सभी के सभी गाँव जो है वो इकट्ठे होकर के आ जाएंगे। क्या टाइम रखा गया आने का लोग? अभी हमारा टाइम 11 बजे का था तो 12 बजे तक सभी आ जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। जिस प्रकार से यहाँ लोग इकट्ठे हुए, 4-5 गाँव के लोग ऐसे कह रहे कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 12-1 बजे का टाइम लगेगा, लोग इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे, तो दोस्तों हम आपसे प्रार्थना करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले यहाँ पर जाम की स्थिति जो है बढ़ने वाली है और धरना प्रदर्शन की जो स्थिति बढ़ने वाली है, तो लोगों को पता चल सके इस बात के लिए और कितनी भीड़ यहाँ पर है और 1-2 घंटे के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग होने वाले हैं। ये बद्दवाड़ा टूल प्लाजा है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इसलिए मैंने अभी बनाई है क्योंकि यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं अभी पूरी तरह से आई नहीं है, आपको आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इनको लोगों को पता चलेगा, आप शेयर कीजिए इसको और हम यहाँ की जो भी स्थिति होगी, जो भी यहाँ की बात होगी, जो भी यहाँ का हल होगा वो आपके सामने रखेंगे और पूरी की पूरी बात हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएँगे। Okay.
दोस्तों बद्दवाला टूल प्लाजा पर हजारों संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और टूल माफ़ी को लेकर क्या कई बार इन्होंने तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना होने के कारण यहां पर आज फिर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और यहां पर अपना टूल को लेकर यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं उनसे एक बार बात करेंगे उनसे कि क्या कहते हैं आज के बारे में वो। दोस्तों टूल को लेकर माफ़ी को लेकर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और एसडीएम साहब भी मौके पर पहुँच चुके हैं। दोस्तों एसडीएम साहब मौके ही पहुँचे हैं, देखते हैं क्या समाधान होता है इस बात का। शांति से बैठो सुनेंगे फिर बात करेंगे। भाई शांति रखो रे, शांति रखो रे। अच्छा जनाब जी, जब ये टोल शुरू हुआ तो इनने हमारे आसपास के गांव पे टोल लागू कराया। छह गांव की पंचायतियां इकट्ठी हुई थी, एसडीएम साहब सारे अधिकारी आए थे, उनकी मौजूदगी में ये छह गांव का टोल माफ कर दिया। कुछ दिन चलता रहा, फिर इन्होंने दोबारा फिर लागू करा। फिर हमारी पंचायत आई, एसडीएम साहब एक महीना पहले कह के गए थे कि आपका टोल नहीं लगेगा, लेकिन ये फिर टोल लगाने लगे। टोल की बजाय उससे बड़ी समस्या के है, ये गुंडा तत्व इन्होंने रख रखे हैं, ये करते हैं जी हमारी भू बेटियों का अपमान। हमारे जिला पार्षद भी खेवाड़ से मिला, उसका अपमान किया। दो बार हमारे पृथ्वी सिंह विधायक हैं, बहुत शरीफ है, उसका अपमान किया। सीएम साहब के ओएसडी उपेंद्र सिंह हैं, उनका अपमान किया, इनके ले रखा ठेका। अब कौन अपनी वो बेटियां का अपमान सहन करेगा? अब हमारा ये फैसला है कि आपसे अनुरोध है, जो पहले टोल माफ़ था वो टोल माफ़ करा जाए, ना करोगे ना तो टोल दिन दे रोला होगा जी। अल ये हमारी सीधी बात है, हमारी खाप ने कोई बदतमीजी नहीं करी। इन लोगों ने क्या कर दिया, ये बांगर का बोला इलाका इनकी ठेका ले लिया बेइज्जती करने का। हकीकत में हमने सुनो एक एक भी ना रेलवे ट्रैक करो क्या, हमने एक तागा का नुकसान नहीं किया, लेकिन ये जानबूझ के करवाना चाह रहे। नहीं हम माना आपका बारे में, इनका बारे हमने खूब सुना कि सामाजिक आदमी है, इसे करके आपसे रिक्वेस्ट है। देखो मैं भी गाँव गुआंड का आदमी बाहर का नहीं हूँ, सर टोल मेरे के हम गांव के आसपास भी लग रहे हैं, तो आपकी जो समस्या है उसका सोमवार को समाधान करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि हम कर लेंगे। ठीक है जी। नंबर दो, अगर कोई ऐसी बेइज्जती करता है तो मैं इनको बुला के खेल चुका भी, और ऐसे मिसबिहेव कोई करता है तो उसका इलाज किस प्रकार का आश्वासन मिला है और क्या बात हुई आपकी पूरी? आज ऐसा है, एसडीएम साहब आए, हमारे सरपंच साहब थे, प्रधान जी थे, सभी मौजूद व्यक्ति और सभी जितने लोग आए, सभी की सहमति से फैसला लिया गया। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया एक हफ्ता का, तो एक हफ्ता में आपका सोल्यूशन कर देंगे, एक हफ्ता में आप चलेगा, इतना कोई रोक टोक नहीं होगी। रोक टोक होगी तो एसडीएम साहब ने गया मेरे से मिलना और सरपंच साहब से आदेश आएगा, सरपंच साहब बताएंगे आगे। ज्ञापन दिया था, उस बात को एसडीएम साहब चेंज है गए, उसने कहा मेरे ऊपर विश्वास करो और बहुत बढ़िया आदमी बताए गए एसडीएम साहब, बाकी सब पर साहब बताएंगे आपने। जी 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 जी, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से एसडीएम साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते का दो टाइम? पहले हमारे जो एसडीएम थे, इस प्रकार का आश्वासन दो तीन बार मिला है, ठीक है, और अब की बार जिस प्रकार से एसडीएम साहब आए हैं, जिस प्रकार से इन्होंने पीछे काम किया है,
इनकी बात पे हमने कहीं कहीं विश्वास किया है और इन्होंने कहा है कि आप मेरी जबान के ऊपर जाइए और कोई किसी प्रकार से दोबारा रोकता है शरारत करता है तो मेरे को फ़ोन करिए। उस बात के ऊपर हम जा रहे हैं। अगर एक हफ्ते बाद किसी प्रकार की बात फिर होती है, प्रशासन भी यही है, सब समाज भी यही है, तो इस बात के तहत हम लोग अभी जो आश्वासन मिला है प्रशासन से उसको लेके अपने साथ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक हफ्ते का टाइम मिला आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, जो अब छूट मिली है उसके लिए आप क्या प्रोसीजर है, क्या दिखाना होगा, क्या करना? हाँ, उसके लिए हमने दो आईडी रखी है। मान लिया अगर आरसी किसी गाड़ी की है वो तो अपने आप में कम्प्लीट आईडी है। आरसी जब इन छः गाँव में से होगी तो कम्प्लीट। अगर आरसी नहीं है तो आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई दो आईडी के साथ। एक हफ्ते का टाइम, एक हफ्ते का टाइम, उसके बाद भी, एक हफ्ते के बाद भी एसडीएम साहब ने बोला, डीसी साहब से एनएचआई से बैठक करेंगे, दो तीन आदमी हम यहाँ से जाएंगे और वहाँ से बाकी आदमी आएंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा हमारा समाधान हो जाएगा। ठीक है। और ये हमको अकेले अपनी मांग नहीं कर रहे, देखिए जितने भी टोल हरियाणा में हर जगह इस प्रकार की प्रक्रिया है। कुछ क्या होता है कि जैसे टोल कंपनी है लोकल आदमी का दबाव बना के कई बार लोगों को एक तरह से गुमराह करने का काम करती है, उस चीज़ के लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ा, वरना हमारी किसी प्रकार की कोई गलत मंशा नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद सर आपका भी। दोस्तों हमारे साथ सरपंच जी थे, उन्होंने अपने बातें रखी है, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक हफ्ते का टाइम मिला है और एसडीएम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमें उनकी बातों पर विश्वास है। आने वाले समय में हम जब तक ये फैसला नहीं हो जाता जब तक हम बिल्कुल कोई टोल नहीं देंगे, क्योंकि एसडीएम साहब ने बोला है, और आगे जो भी विचार होगा जो भी फैसला होगा उसी कार्रवाई के उसी प्रकार से कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अभी विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।